नमस्कार, दिनभर की टॉप खबरों के लिए जिला टॉप में आपका स्वागत है। तो आइए रुक करते हैं दिनभर की खास खबरों की ओर। पहली खबर में आपको बता दें कि आज गोड्डा जिला के महागमा में झारखंड जगुआर के निर्देशानुसार गोड्डा के सभी शहीद के शैक्षणिक विद्यालय परिसर में पुस्तकालय के निर्माण हेतु आदेश दिया गया, ताकि उच्च विद्यालय में पढ़ रहे सभी विद्यार्थियों को यह पता चल सके कि उनके स्कूल से पढ़कर निकले गोड्डा के वीर सपूतों ने उग्रवाद हिंसा में देश व राज्य की सुरक्षा के लिए अपनी जान निछावर कर दी, जिसको लेकर आज महागामा में जयनारायण प्लस टू उच्च विद्यालय में पुस्तकालय का उद्घाटन किया गया। वहीं महागामा थाना प्रभारी उमेश मोदी ने बताया कि जल्द ही ECL के CSR मद से यहां पर भवन का भी निर्माण कराया जाएगा। फिलहाल विद्यालय में एक कमरे में पुस्तकालय का उद्घाटन कर दिया जा चुका है। दूसरी खबर में आपको बता दें कि राशन में कटौती और डीलर की मनमानी के खिलाफ राशन कार्ड धारियों ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें कि साहेबगंज के मंडो प्रखंड के गडरा पंचायत अंतर्गत बड़ी लक्ष्मी गांव में 4 दर्जन से अधिक राशन कार्ड धारियों ने डीलर की मनमानी से परेशान व नाराज होकर आज प्रखंड कार्यालय पहुंचे और उन्होंने अपनी समस्या का शिकायत पदाधिकारियों से किया। मालूम हो कि जन वितरण प्रणाली की डीलर शीला टुडू लाइसेंस संख्या 14/87 की मनमानी से तमाम कार्डधारी परेशान हो चुके हैं, जिसके बाद आज समस्या लेकर कार्डधारियों ने मीडिया को बताया कि सरकार के द्वारा गरीबों का आवंटित खाद्यान्न समय पर वितरण नहीं किया जाता है, साथ ही निर्धारित मात्रा से मनमाना कटौती भी किया जाता है। तीसरी खबर में आपको बता दें कि गोड्डा जिला के ठाकुरगंगटी प्रखंड क्षेत्र के देवनचक में डीलर के द्वारा कम राशन देने का मामला प्रकाश में आया है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि जहां राशन कार्ड में परिवार के 6 सदस्यों का नाम है जिसे 30 किलोग्राम अनाज देना होता है, लेकिन डीलर द्वारा सिर्फ 15 किलोग्राम चावल देकर ग्रामीणों को चुप करा दिया जाता है और ग्रामीणों को बोलने पर डीलर द्वारा कहा जाता है कि जिसको बोलना है बोल दो, जहां जाना है चले जाओ, कुछ नहीं हो सकता है। अगली खबर में आपको बता दें कि भारत सरकार भारतीय रेल व आदित्य बिरला ग्रुप के सौजन्य से इंपैक्ट इंडिया फाउंडेशन द्वारा झारखंड सरकार व जिला प्रशासन के सहयोग से लाइफलाइन प्रोजेक्ट के तहत आयोजित निशुल्क मेगा हेल्थ कैंप में अब तक हजारों लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया है। प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में लोग अपनी जाँच, इलाज व ऑपरेशन निःशुल्क करा रहे हैं। आँखों की सफल चिकित्सा के बाद अब 14 से 18 फरवरी 2022 तक कान की जांच, चिकित्सा व शल्य चिकित्सा की तिथि निर्धारित है। अगली खबर में आपको बता दें कि आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोड्डा उपायुक्त श्री भोर सिंह यादव के द्वारा आकांक्षी जिला से संबंधित नीति आयोग के सूचक के लक्ष्य प्राप्ति को लेकर समीक्षात्मक बैठक आहूत की गई। उक्त बैठक में उपायुक्त के द्वारा नीति आयोग के सूचक स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, कृषि, समाज कल्याण, पशुपालन, JSLPS, बैंकिंग आदि विभागों द्वारा जिले में कराए जा रहे कार्य प्रगति की समीक्षा कर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।